कांग्रेस पार्टी भारत को एकजुट करने और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा होगी। राहुल गांधी इस पदयात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। उनके साथ 100 से भी अधिक नेता शामिल होंगे। ये नेता लगभग सभी वर्गों और प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। पदयात्रा करने वाले 100 से भी अधिक नेताओं को भारत यात्री का नाम दिया गया है। भारत को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने के इरादे से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की जा रही है। ये यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक होगी। इस दौरान ये पदयात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। इसकी शुरुआत तमिलनाडु के कन्याकुमारी से होगी। इस पदयात्रा में राहुल गांधी के साथ शुरू से लेकर आखिरी तक 100 से भी अधिक नेता चलेंगे। इसमें पार्टी के मीडिया व प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा और कन्हैया कुमार भी शामिल हैं। कांग्रेस के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा भारत की एकता का उत्सव और आशा का त्यौहार है। इसमें भारत के सभी लोग भाग ले सकते हैं। ये पदयात्रा भय, कट्टरता, बढ़ती हुई बेरोजगारी और समाज में फैलते हुए असमानताओं के खिलाफ शुरू की जा रही है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चलने वाली ये यात्रा 150 दिनों तक चलेगी। इस दौरान 3,500 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। यात्रा में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और अलग अलग हिस्सों से नेता जुड़ेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश मुताबिक यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी देश के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगा। राहुल गांधी की इस यात्रा में राजस्थान से चुनिंदा नेता भी शामिल होंगे। यात्रा के रूट में हर दिन सभाएं और नुक्कड़ मीटिंग्स होंगी। इनमें राहुल गांधी के भाषण होंगे, कुछ नेताओं के भाषण भी रखे गए हैं। पार्टी के ग्रासरूट वर्कर के मन की बात भी जानने की कोशिश होगी। यात्रा के शुभारंभ से पहले राहुल गांधी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तिरुवल्लुवर स्टैचू और कामराज मेमोरियल भी जाएंगे। यात्रा से पहले राहुल ने रविवार को पार्टी की महंगाई पर हल्ला बोल रैली में कहा कि सरकार द्वारा सभी रास्ते बंद किए जा चुके हैं और कांग्रेस को अब लोगों के पास जाना है और उन्हें सच बताना है, और इसलिए पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारे लिए सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। संसद का माध्यम नहीं है। कांग्रेस नेता, विपक्षी नेता संसद में भाषण नहीं दे सकते। हमारा माइक बंद है। हम चीन के हमले के बारे में बात करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। हम बेरोजगारी पर बात करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते। मुद्रास्फीति के बारे में बात करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस ने कहा कि सुबह 7 बजे सबसे पहले पूर्व पीएम राजीव गांधी को याद कर प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। इसके बाद दोपहर 3:05 में तिरुवल्लुवर स्मारक का दौरा किया जाएगा। 3:25 पर विवेकानंद स्मारक, 3:50 पर कामराज स्मारक जाएंगे। वहीं 4:10 पर महात्मा गांधी मंडपम में कार्यक्रम होना है। इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा। 200 से ज्यादा हस्तियों ने लोगों से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करने का आग्रह किया है। इनमें स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव सहित 204 लोग शामिल हैं। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।